नंबर वन, ताजमहल। यह भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मौजूद है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है और इसमें चार बड़े बड़े मीनार हैं। यह चारों तरफ से बगीचों से घिरा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी जगह में है। ताजमहल की एक और खासियत यह भी है कि यह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इसको बनाने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से सफ़ेद संगमरमर पत्थर को इकट्ठा किया गया था। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी माना जाता है। इसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन आगरा के किले में कैद रहकर गुजारे थे। वहां से वह ताजमहल को देखा करते थे। नंबर टू, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह चाइना में मौजूद है। यह मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई है। इस दीवार को बनाते वक्त पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। इस दीवार की कुल लंबाई 6400 किलोमीटर है। यह कहीं 9 फीट ऊंची है तो कहीं 35 फीट ऊंची है। यह दीवार अंतरिक्ष से भी बिल्कुल साफ नजर आती है। इस दीवार को उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था। यह दुनिया में इंसानों की बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है। नंबर थ्री, माचू पिच्चू। यह पेरू में मौजूद है। यह बहुत ही खूबसूरत और कमाल की संरचना है। यह पॉलिश किए गए पत्थरों से बना हुआ है। यह शहर 2430 मीटर एक पहाड़ी के ऊपर एंडीज पर्वतों में बसा हुआ है। कभी यह नगरी संपन्न थी, पर स्पेन के आक्रमणकारी अपने साथ चेचक जैसी बीमारी यहाँ ले आए, जिससे यह शहर पूरी तरह तबाह हो गया। यह पुरानी इंका सभ्यता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे इंकाओं का खोया शहर या लॉस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरानी खोई हुई प्रजातियों का घर भी है। नंबर फोर, रोमन कोलोसियम। यह इटली के रोम शहर में मौजूद है। यह एक बड़ा खेल स्टेडियम है, जिसमें 50,000 तक लोग इकट्ठा होकर जंगली जानवरों और गुलामों की लड़ाइयों के खूनी खेल देखते थे। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। यह अंडाकार है और यह लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इसे सम्राट वेस्पासियन और टाइटस ने बनवाया था। इस स्टेडियम की नकल करना आज तक नामुमकिन है। इस स्टेडियम का कुछ हिस्सा भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं और पत्थर चोरी की वजह से नष्ट हो गया है। यह रोमन साम्राज्य की कला का सबसे खूबसूरत नमूना है। इस स्टेडियम की ऊंचाई 157 फीट है और इसमें 80 से भी ज्यादा दरवाजे हैं। नंबर फाइव, क्राइस्ट द रिडीमर। यह ब्राजील के रियो डी जनेरो में एक पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। यह ईसाई धर्म का एक बड़ा प्रतीक है। यह रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। यीशु मसीह की इतनी बड़ी मूर्ति दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसकी ऊंचाई 130 फीट और चौड़ाई 92 फीट है। इसका वजन 635 टन है। पक्षियों के इस पर बैठने से रोकने के लिए मूर्ति के ऊपर छोटी छोटी कीले भी लगाई गई हैं। इस मूर्ति को फ्रेंच के महान मूर्तिकार पॉल लैंडोस्की ने डिजाइन किया था। नंबर सिक्स, पेट्रा। यह जॉर्डन में मौजूद है। इस पर 38 फीट ऊंचा मंदिर है। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई इमारतें हैं, जिन पर शानदार नक्काशी है। यहाँ नहरें, तालाब और स्टेडियम भी है।
इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। नंबर 7, चिचिन इत्ज़ा। यह मेक्सिको में मौजूद है। इसके बीच में कुकुलन का पिरामिड है जो 79 फीट का है। इस पिरामिड की चारों दिशाओं में 91 सीढ़ियां हैं। हर एक सीढ़ी साल के 364 दिन को दिखाती है। 365वें दिन का चबूतरा सबसे ऊपर है। इसका सबसे खास रहस्य साल में 2 बार सांप की आकृति बनाते हुए पिरामिड पर एक छाया का दिखाई देना है। यह 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो व्यूवर्स, हमारा आज का वीडियो था दुनिया के 7 अजूबों के नाम और उनकी खासियतों के बारे में। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा वाला अजूबा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। We'll be right back.